हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रीजनिंग एंड क्वालिटी। आज की क्लास में हम लोग क्लॉक चैप्टर के पार्ट वन को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमने अपने इस चैनल पे कैलेंडर टॉपिक को पूरे कंप्लीट कर दिया है। कैलेंडर के बाद हम लोगों ने काउंटिंग फिगर टॉपिक को पढ़ा था। काउंटिंग फिगर के बाद आज हमारी जो तीसरी क्लास होने वाली है, जो थर्ड चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, वो चैप्टर कौन सा है? तो क्लॉक चैप्टर है। तो चलिए टाइम ना खराब करते हुए हम अपने क्लॉक चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करते हैं। मेरे बच्चे देखिए, क्लॉक चैप्टर किस तरीके से और क्या क्या, कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है और किस किस तरीके के क्वेश्चंस को पढ़ने होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि कितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं इस क्लॉक चैप्टर में। तो क्लॉक मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, क्लॉक, और क्लॉक को हिंदी में हम क्या कहते हैं, घड़ी। तो देखिए, बैंकिंग के एग्जाम को छोड़ के जितने भी एग्जाम आप देते हो वन डे, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो डिफेंस का हो, चाहे वो स्टेट का हो, चाहे कोई भी एग्जाम, चाहे आप सीटेट ही क्यों नहीं देते हैं, तो किसी भी एग्जाम में जब आप अपीयर होने जाते हैं तो उस एग्जाम में क्लॉक के क्वेश्चन से आपको अपने आप को गुजारना पड़ता है। तो आप इसलिए मैंने सोचा कि कैलेंडर के बाद हमने क्यों नहीं काउंटिंग फिगर पढ़ लिया, तो क्लॉक भी पढ़ लिया जाए। तो देखिए, सबसे पहले अगर क्लॉक की बात की जाए तो इसमें टोटल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कितने बनते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को समझना है। तो टोटल मेरे भाई इसमें देखो, जो क्वेश्चंस बनेंगे वो कितने टाइप के बनेंगे। तो सबसे पहला टाइप होता है हमारे पास, जिसको आप कहते हो कॉन्सेप्ट ऑफ आर है। सबसे पहला टाइप जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, वो पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ आर हैंड का, मीन्स घंटे की सुई पे संबंधित प्रश्न। सबसे पहला टाइप क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ आर हैंड, इसको हिंदी में कहोगे घंटे की सुई से संबंधित प्रश्न। जो सेकेंड टाइप होता है मेरे भाई, उसको आप कहोगे बेस्ड ऑन एंगल। बेस्ड ऑन एंगल का मतलब क्या है, हिंदी में इसको नाम देंगे हम कोण पर आधारित प्रश्न। बेस्ड ऑन एंगल का मतलब क्या है, कोण पर आधारित प्रश्न, मतलब इस क्वेश्चन में टाइम आपके पास दे रखा होगा कि कोई भी एक टाइम दे रखा है, मान लीजिए 5 बजे का टाइम दे रखा है, और आपसे बोलेगा बताओ उस टाइम पे कितने डिग्री का एंगल, कितने डिग्री का एंगल बन रहा होगा, कितने डिग्री का एंगल बन रहा होगा। तो हमारे पास ये जो टाइप है इसमें टाइम गिवन होगा, और टाइम पे क्या निकालने की जरूरत पड़ रही होगी मेरे भाई, बोल के बताओ। टाइम गिवन होगा और उस टाइम पे क्या निकालना होगा, तो एंगल निकालना होगा। इसके बाद जो हमारा तीसरा टाइप आता है, जिसको हम कहते हैं ओपोजिट। सर अब ये ओपोजिट क्या है, तो इस ओपोजिट में यहां पे टाइम दिया है और आपसे क्या निकाला है, एंगल निकालना है। लेकिन ओपोजिट में सर एंगल दिया होगा और आपको क्या निकालना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा। ओपोजिट में एंगल गिवन होगा लेकिन आप क्या निकालेंगे, तो टाइम निकालेंगे। इसके बाद जो हमारा टाइप आता है एरर क्लॉक, बोले तो खराब घड़ी। अब ये खराब घड़ी का कॉन्सेप्ट क्या है सर, तो याद रखेंगे कोई भी घड़ी अगर हमारी खराब हो जाती है, कोई भी घड़ी अगर हमारी खराब हो जाती है, तो उस खराब घड़ी को आप चाहे कितनी भी दूर चला दो, किसी खराब घड़ी को आप चाहे कितनी भी दूर चला दो, कितनी भी दूर चला दो, उसके बीच में एक ऐसा टाइम जरूर आया होगा जब हमारी घड़ी ने बिल्कुल सही समय बताया होगा। मैंने क्या कहा, किसी भी एरर क्लॉक के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि कोई भी घड़ी अगर हमारी खराब हो जाती है, तो उस खराब घड़ी को मेरे भाई आप चाहे कितनी भी दूर चला दो, उनके बीच में एक ऐसा टाइम जरूर आता है जब हमारी घड़ी ने बिल्कुल सही टाइम बताया होता है, सही समय बताया होता है। तो उसी सही समय को हमने निकालना होता है किस कॉन्सेप्ट में, तो एरर क्लॉक के कॉन्सेप्ट में। लास्ट टाइप आता है हमें जो पढ़ना है इस चैप्टर में, वॉटर एंड मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट। वॉटर एंड मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट, अब वॉटर एंड मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो जल एवं दर्पण प्रतिबिंब। बोले तो सर कोई भी एक टाइम गिवन होगा, क्या गिवन होगा, टाइम। मान लो 5 बजे का टाइम दे दिया क्वेश्चन में, और आपसे बोलेगा अगर घड़ी में हमारे 5 बज रहे हैं, तो उस टाइम को आप वाटर में देखोगे तो कैसी टाइम नजर आएगी, एंड उसी टाइम को आप मिरर में देखोगे तो कैसी टाइम नजर आएगी। ये कॉन्सेप्ट है हमारा। तो टोटल कितने टाइप्स के क्वेश्चन पढ़ने हैं मेरे भाई, तो टोटल 5 टाइप्स के क्वेश्चन पढ़ने हैं इस चैप्टर में। पहला टाइप आपको समझ में आया, बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ आर हैंड, मीन्स कोई भी दो टाइम दिया होगा और उन दोनों टाइम के बीच में आर हैंड के द्वारा
कवर किया गया, स्पीड आपसे पूछा जाएगा, एंगल पूछा जाएगा। दूसरे टाइप में टाइम दे रखा होगा और आपसे एंगल पूछा जाएगा। थर्ड में एंगल दिया होगा, टाइम पूछा जाएगा। और चौथे टाइप में एरर क्लॉक, खराब घड़ी में सही समय बताना होगा। एंड लास्ट टाइप जो होगा हमारे पास, वो क्या होगा, वाटर एंड मिरर इमेज होगा। क्लियर है? चलिए अब आ जाते हैं। सर अगर क्लॉक चैप्टर आप पढ़ा रहे हो तो सबसे पहले एक क्लॉक बनाओ और इस क्लॉक से हमें तीन बातें समझाओ। तो मैंने यहाँ पे आपके सामने बच्चे तीन एक क्लॉक बनाया और यहाँ को इसको ध्यान से देखना। ये 12 है, ये 3 है, ये 9 है, ये 6 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 10 है, ये 11 है। सर अब इसमें आप देखोगे, मैं आपको यहाँ पे ये सेंटर है, ये क्लॉक का क्या है मेरे भाई, ये सेंटर है। हमें इस फिगर से तीन बातें समझनी होगी, हमें इस फिगर से तीन बातें समझनी होगी। अब वो तीन बातें क्या हैं तो समझिए। सबसे पहली बात हमें ये समझना है इस डायग्राम से कि ये 12 और 1 के बीच में, इस 12 और 1 के बीच में आपको कितने गैप नजर आ रहे हैं, इस 12 और 1 के बीच में इस क्लॉक में कितने गैप नजर आ रहे हैं। हाँ हाँ, 5। अरे ना ना, आप एक मेरे को तो एक गैप नजर आ रहा है। तो ये जो एक गैप होता है, ये जो एक गैप होता है, याद रखोगे, इस एक गैप की वैल्यू होती है एंगल में 30 डिग्री। बोलो बोलो, एक गैप की वैल्यू कितनी होती है मेरे बच्चे, 30 डिग्री। तो बताओ अगर एक गैप की वैल्यू 30 डिग्री है तो क्लॉक में टोटल कितने गैप हैं, 1 2 3 4 5 6, इधर 6 इधर, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 12 गैप। तो जब अगर एक गैप की वैल्यू 30 डिग्री है तो 12 गैप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 360 डिग्री। इसलिए हम कहते हैं जब घड़ी हमारी कंप्लीट चक्कर लगाती है, इसलिए हम कहते हैं कि घड़ी हमारी कंप्लीट चक्कर लगाती है तो अपने आप में कितना एंगल पूरा करती है, तो 360 डिग्री। घड़ी कंप्लीट चक्कर लगाने में कितना एंगल पूरा करती है, 360 डिग्री। ये पहला पॉइंट। अब देखिए, अब मैं आपको ये समझाना की कोशिश करूंगा कि बताओ अगर मेरी, अगर हमारी आर है, अगर हमारी घंटे की सुई 12 से चलकर 1 पर आ जाती है, अगर हमारी घंटे की सुई 12 से चल के 1 पे आ जाती है तो बताओ कितने घंटे पूरे होते हैं। नहीं बोलो ना, अगर घंटे की सुई 12 से चल के 1 पे आ जाए तो कितने घंटे पूरे होते हैं, तो आपने कहा 1 घंटे। तो याद रखना, घंटे की सुई 1 आवर में, घंटे की सुई 1 आवर में कितने डिग्री एंगल कवर करती है, तो 30 डिग्री। घंटे की सुई 1 घंटे में कितना एंगल पूरा करती है, तो 30 डिग्री। लेकिन घड़ी कंप्लीट चक्कर लगाने में कितना एंगल पूरा करती है, तो 360 डिग्री। अब मुझे बताओ 12 और 1 के बीच में कुछ छोटी छोटी लाइनें भी आपको नजर आती हैं, हाँ या ना? बिल्कुल सर। तो कितनी लाइनें होती हैं, तो आप कहोगे सर 5 होती हैं। तो बताओ ये लाइनें जो होती हैं, ये घंटे को इंडिकेट करती हैं या मिनट को इंडिकेट करती हैं? जो ये लाइनें होती हैं, ये आर को इंडिकेट करती हैं या मिनट को इंडिकेट करती हैं? तो आप कहोगे मिनट को इंडिकेट करती हैं। तो याद रखना, ये जो मिनट की सुई होती है, ये अपने आप में 6 डिग्री एंगल पूरा करती है। मिनट की सुई अपने आप में कितने डिग्री एंगल पूरा करती है, तो 6 डिग्री। लेकिन घंटे की सुई 1 घंटे में कितने डिग्री एंगल पूरा करती है, तो 30 डिग्री। एंड घड़ी कंप्लीट चक्कर लगाने में कितना एंगल पूरा करती है, तो 360 डिग्री। तो यहां से मैंने आपको तीन बातें बताई कि मिनट की सुई 1 मिनट में कितना एंगल पूरा करती है, तो 6 डिग्री। घंटे की सुई 1 घंटे में कितना एंगल पूरा करती है, बोलो बोलो मेरे साथ, तो 30 डिग्री। एंड घड़ी कंप्लीट चक्कर लगाने में कितना एंगल पूरा करती है सर, तो 360 डिग्री। क्लियर है? अब देखो, अब जो मैंने आपको स्पीड ऑफ आर हैंड की बात करी है आपसे, कि घंटे की सुई की बात जो करी है कि घंटे की सुई सर 1 घंटे में 30 डिग्री एंगल बनाती है, इस बात को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा मैं, और वहां से आपको एक नई बात पता चलेगी जिसका यूज कॉन्सेप्ट ऑफ आर हैंड में होगा। तो देखिए, अगर मैंने कहा कि घंटे की सुई 1 घंटे में कितना एंगल बनाती है, तो आपने क्या कहा, हाँ हाँ बोलो बोलो, घंटे की सुई 1 घंटे में कितना एंगल बनाती है, तो 30 डिग्री हमने लिख लिया। अगर घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री एंगल बनाती है, तो इसको अगर मैं मिनट में बदलूं, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 60 मिनट। तो भाई अगर 1 घंटे में 30 डिग्री बनाती है,
तो 60 मिनट में भी कितना बनाती होगी बच्चे, बोलो 30 डिग्री। अगर 60 मिनट में 30 डिग्री बाई तो एक मिनट में कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30/60, इट मीन्स 1/2 degree। तो मैं कह सकता हूं कि घंटे की सुई एक घंटे में तो 30 डिग्री एंगल बनाती है सर, लेकिन वही घंटे की सुई एक मिनट में कितना एंगल बनाती है, तो 1/2 degree। एक मिनट में कितना, हाफ मतलब एक मिनट में आधा, तो 10 मिनट में कितना, तो सर 10 का हाफ 5 degree। 20 मिनट में कितना, बोलो बोलो 20 मिनट में कितना, तो 20 का हाफ 10 degree। 30 मिनट में कितना, तो 30 का हाफ 15 degree। 40 मिनट में कितना, 40 का हाफ 20 degree। 50 मिनट में कितना, 50 का हाफ 25 degree। 70 मिनट में कितना, 70 का हाफ 35 degree। 90 मिनट में कितना, 90 का हाफ 45 degree। 1 आवर में कितना, तो 30 degree। 2 आवर में कितना, तो सर 2 आवर में कितना 60 degree। मतलब क्या किया कि 2 घंटे में कितने मिनट, 120, और 120 का तुरंत हाफ किया, तो आंसर क्या हो गया 60। मतलब यह है कि जब भी स्पीड ऑफ आर हैंड की बात करेगा क्वेश्चन में, जब भी स्पीड ऑफ आर हैंड की बात करेगा क्वेश्चन में, उसमें सीधे सीधे आपको क्या करना है, जो भी आर होगा उस आर को मिनट में कन्वर्ट करना, और मिनट का क्या कर देना हाफ, वही हो जाएगा हमारा आंसर। मिनट का जो आर होगा उसको मिनट में कन्वर्ट करोगे और मिनट का क्या कर देना आप, हाफ कर देना, वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है आप सबको? तो देखो इस पार्ट पे क्वेश्चन किस तरीके से आता है, क्वेश्चन किस तरीके से आता है, तो मैं आपको एक बात समझाना चाहूंगा। एक क्वेश्चन मैं आपको यहां पे लिखता हूं और फिर मैं आपको उसको समझाऊंगा, फिर सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आप खुद से दे सकते हो। देखो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कैसे पूछा गया, हमारे एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन ने यह पूछा था कि बताओ हाउ मच एंगल कवर्ड बाई आर हैंड फ्रॉम 12 to 3:30। बताओ 12 से 3:30 के बीच घंटे की सुई कितना एंगल कवर करेगी। तो पहले मेरी बात समझिएगा कि क्वेश्चन को कैसे करना है, उसके बाद आप अपना माइंड यूज कीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है तो जो भी टाइम दे रखा होगा उस टाइम के बीच का आपको डिस्टेंस निकालना होगा। मैंने क्या कहा, जो भी टाइम गिवन होगा उस टाइम के बीच का आपको एंगल निकालना, मतलब डिस्टेंस निकालना होगा। तो बताओ घड़ी में 12 से 3:30 होने में कितने घंटे कितने मिनट का टाइम लग जाएगा। तो आप कहोगे सर 3 hours 30 minutes का टाइम लग जाएगा। अब बताओ किस हैंड की बात की गई है, अरे बोलो ना किस हैंड की बात की गई है, आर हैंड की बात की गई है। और मैंने अभी अभी आपसे क्या कहा था कि जब भी घंटे की सुई की बात करेगा तो घंटे की सुई में आर को मिनट में कन्वर्ट करना और मिनट का हाफ कर देना, वही आंसर हो जाएगा। तो बताना ये 3 hours है तो एक घंटे में कितने मिनट, तो 60, तो 3 घंटे में कितने मिनट, तो 180 ये हो गया, और ये पहले से कितना है तो 30, इट मीन्स टोटल कितना हो जाएगा 210। और ये क्या आया, ये क्या आया मिनट, और मिनट का क्या करना सिखाया है सर आर हैंड में, तो हाफ करना, इट मीन्स 105 degree आंसर हो गया। बताओ समझ नहीं आया क्या, इतने सिंपल सा तो लॉजिक है सर, समझ आया या नहीं आया, क्लियर है? तो बस याद रखना किसी भी आर हैंड की अगर बात करेगा तो उनके बीच का डिफरेंस लेना, डिफरेंस को मिनट में कन्वर्ट करना, और आंसर क्या आ जाएगा हाफ करने के बाद। देखो एक क्वेश्चन और मैं आपसे कराना चाहूंगा, इसी तरीके का। बताएं अगर हमारी घड़ी में 9:10 हो रहे हो, 9:10 से 11:30 तक बताओ के बीच में घंटे की सुई कितना एंगल बनाएगी, जल्दी से आंसर बताओ। 9:10 से 11:30 के बीच घंटे की सुई कितना एंगल बनाएगी, जल्दी से कमेंट कीजिए।
बताएं आप सब आंसर। मैंने क्या कहा था कि सर इनके बीच का आपको डिफरेंस लेना होगा, तो सर बताओ 9:10 और 11:30 के बीच का जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस कितना होगा सर? तो 9:10 और 11:30 के बीच का डिफरेंस कितना होगा? तो सर ये डिफरेंस होगा 2 आवर, 2 घंटे और 2 घंटे और 20 मिनट, क्योंकि 9 से 11 जाओगे तो 10 और 11 2 घंटे, और फिर 10 से 30 जाओगे तो 30 मिनट, तो ये हो जाएगा 2 घंटे 20 मिनट। बताओ अब मैंने क्या कहा, आर हैंड की स्पीड निकालनी है, और आर हैंड के लिए आर को मिनट में कन्वर्ट करते हैं और मिनट का हाफ करते हैं, तो 2 घंटे में कितने मिनट होंगे सर? तो 2 घंटे में इंटू 60 कर दो तो 120 मिनट हो जाएंगे, और 20 का हाफ प्लस 20 करना तो टोटल कितने हो जाएंगे? 140 मिनट। और इस मिनट का क्या कर देना होगा? तो हाफ, जो कि हाफ कितना आ गया? 70 डिग्री, और यही हो गया हमारा आंसर। समझ आया या नहीं आया बताइए, क्या क्लियर है आप सबको मेरी बात? उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया है तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी पे। 4:50 से 6:30 के बीच बताओ घंटे की सुई कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? जल्दी से बता दो। 5:50 से 6:30 के बीच आर हैंड की स्पीड बतानी है। बताइए, तो देखें आर हैंड के बीच घंटे की स्पीड बतानी है, तो आप लोगों को मैंने सिखाया है सबसे पहले इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे। अब बताएं 4:50 से 6:30 होने में कितने घंटे कितने मिनट लगेंगे? तो आप देखोगे सर 4:50 से 5:50 जाओगे तो 1 आवर, 5:50 जाओगे तो 1 आवर। अब देखो, अब 5:50 से 6 o'clock करने में कितने मिनट का टाइम लगेगा? 10, लेकिन जाना 30 तक है तो टोटल कितने हो जाएंगे? 40 मिनट। अब सर आर को मिनट में कन्वर्ट करो इनटू में 60 करके, तो ये 60 और प्लस में 40 कितना हो जाएगा? 100, और 100 का क्या कर देना होगा? हाफ, यही हो गया हमारा आंसर। तो उम्मीद करता हूं मैं कि किसी भी दो टाइम के बीच में अगर आपसे एंगल पूछ दे तो आप उसका आंसर आसानी से आप बता सकते हैं। हाँ या ना जल्दी से बताइए, क्लियर है आप सबको? तो यही था हमारा फर्स्ट टाइप, जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया था भाई? कॉन्सेप्ट ऑफ आर हैंड का, कॉन्सेप्ट ऑफ आर हैंड का घंटे की सुई से संबंधित प्रश्न किसी भी दो टाइम के बीच में आर हैंड द्वारा बनाया गया एंगल निकालना हो तो आप आसानी से अब निकाल सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? तो चलिए, अब आज की क्लास में हमने सिर्फ एक टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ा, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इनको, इन दोनों को एक एक वीडियो में पढ़ेंगे, फिर इन दोनों को हम एक वीडियो में पढ़ेंगे, मतलब हम टोटल 3 टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। Part 3 तक वीडियो आएगी हमारी। ये जो वीडियो होगा ये हमारे पास नहीं भी होगा तो कम से कम 1 आवर 20 मिनट मीन्स 1.5 घंटे की लेक्चर डलेगी ये वाली, सेम यही ये भी 1.5 घंटे की लेक्चर डलेगी, ठीक है? तो आप अपनी दोस्तों तक हमारे लिंक को शेयर कीजिए, लाइक कराइए हमारे इस वीडियोस को, एंड सब्सक्राइब कराइए हमारे चैनल को, जिससे हम जैसे ही निरंतर प्रयास इस तरीके से कर रहे हैं वैसे ही आने वाले टाइम में भी करते रहें। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि पूरी की पूरी रीजनिंग मैं अपने इस चैनल पे देने की कोशिश करूंगा, तो मैं उसी अपने वादे के हिसाब से चलता हुआ आ रहा हूं, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आपका प्यार भी मुझको मिले। और प्यार किस तरीके का? तो आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराइए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इस चैनल से जुड़ते जाएं, ठीक है? और बहुत ही जल्दी और भी सब्जेक्ट की वीडियोज आने वाली हैं, लाइक पॉलिटी की भी वीडियो आएंगी, मैम का ही चैनल है तो उनका तो आना ही है, उसके साथ ही साथ मैथ्स की भी वीडियोज हम प्रोवाइड करेंगे आपको, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको टाइप फर्स्ट में कोई भी डाउट नहीं होगा, कोई भी अगर डाउट हुआ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम, आपके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का मेरा लिंक दिया हुआ है, मैम का भी डिस्क्रिप्शन का, मतलब मैम के भी टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, और आकाश का व्हाट्सएप नंबर है, तो आप वहां भी देख सकते हैं चीजों को, ठीक है?
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। टाइप 2 जल्दी ही आएगा आपकी वीडियो आपके इस चैनल पे। ओके।